सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ओपीडी, हेल्प डेस्क, जीएसवाई रूम, कैंटीन, ओटी रूम, लेबर रूम, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटर, आयुष्मान वार्ड, न्यूबॉर्न केयर यूनिट आदि वार्डों को देखा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका से चिकित्सकों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया है कि ओपीडी वार्ड में महिलाओं के बैठने हेतु उचित व्यवस्था की जाए, पुरुषों को ओपीडी वार्ड के बाहर रखा जाए, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरण है उनको रजिस्टर में अंकित करने हुए उनकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सभी आशाओं को उपलब्ध कराया जाए और निस्तारण किया जाए। जननी सुरक्षा योजना का लाभ महिलाओं को भर्ती के समय ही पासबुक व आधार कार्ड उनसे लेकर प्राप्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी को परेशान न किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विनित सिंह की रिपोर्ट। क्या दिशा निर्देश, क्या कामयाबी चल रही है? देखिए, आज महिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया है क्योंकि यहाँ पे जिले का एक महिला अस्पताल है तो काफ़ी यहाँ भीड़ थी, तो दो तीन पॉइंट्स पे मैंने निर्देश दिए हैं। एक तो कि मरीजों के बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, और कुछ CMS साहब द्वारा रिक्वेस्ट भी किया है कि होमगार्ड्स की यहाँ व्यवस्था बना ली जाए, तो उसके लिए भी कमांडेंट होमगार्ड के निर्देश दे गए। खाने की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया गया, उसमें थोड़ी कमी पाई गई, तो उसमें CMS साहब को निर्देशित किया गया कि खाने की गुणवत्ता सुधारी जाए। बाकी मरीजों से हम लोगों ने बात भी की, पैथोलॉजी का भी निरीक्षण किया, अल्ट्रासाउंड का भी निरीक्षण किया, और सब जो सेवाएं यहाँ सरकार की तरफ से दी जा रही हैं वो सब संतोषजनक है। उस सेवा की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। कुछ यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं जो शीघ्र ही हस्तगत होंगे, उससे भी हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू।